नमस्कार प्यारे दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुरा के सबसे बड़े गांव और ऐतिहासिक गांव तीसागढ़ में। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा राजा महाराजाओं के समय की बनी हुई एक कोठी, राजा की कोठी जो कि आज भी विद्यमान है। ये मैं बाहर से आपको इस कोठी को दिखा रहा हूँ और कुछ देर के बाद मैं इस कोठी के अंदर भी आपको ले चलूँगा। और साथ में यहाँ पर ये बनाया गया है ग्राम पंचायत तीसा फर्स्ट का ये कार्यालय है। अब मैं आपको ले चलता हूँ धीरे धीरे। ये राजा महाराजाओं के समय से बनी हुई राजा की कोठी जो कि हमारे यहाँ चुरा के तहसील मुख्यालय के नज़दीक में गांव तीसागढ़ में बनी हुई है। ये देख सकते हैं, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, काफ़ी पुराना है। ये उस समय की बनी हुई है जब राजा महाराजा यहाँ पर जो है वो शासन करते थे। अब मैं आपको अंदर ले चलूँगा, आइए आप देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर इस कोठी में जो है ये वेटनरी भी बनाई गई है, पशुओं के लिए यहाँ पर जो है वो इलाज की सुविधा दी जाती है। और अभी इसके अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ताला लगा हुआ है, नहीं तो कोठी के अंदर की जो यहाँ की व्यवस्था है आज की डेट में मैं आपको दिखा पाता, लेकिन क्षमा कीजिए अंदर नहीं जा पाया इसलिए नहीं दिखा पाता हूँ। अब मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा, ये रहा हमारा जो गांव है, बहुत बड़ा गांव, ये है तीसागढ़ गांव। तीसागढ़ गांव का ये दृश्य आप देख सकते हैं वीडियो में, काफ़ी अच्छा ये गांव है। बिल्कुल सीधा नीचे से ये तीसागढ़ गांव है और इसके साथ साथ जो ऊपर के गांव दिखाई दे रहे हैं, गांव डिकरी रेडोज है। लगभग ये लगता है कि आने वाले 50 सालों में यहाँ से लेकर ये ऊपर तक, ये जो आप टावर देख रहे हैं मोबाइल टावर है, आने वाले करीब 50 सालों में ये पूरा एक शहर बन जाएगा। गांव गांव जुड़ करके ये शहर का रूप ले लेंगे, ये ऐसा देखने में लग रहा है। और साथ साथ में यहाँ पर ये छोटा सा ये ग्राउंड भी है जहाँ पर ये रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। ऊपर पंचायत घर है, पंचायत का कार्यालय है और नीचे ये यहाँ पर स्टेज है। तो यहाँ पर कई तरह के सरकार द्वारा जो भी आयोजन किए जाते हैं। और जब नवरात्र आते हैं तो रामलीला का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है, छोटा सा ये प्रांगण है जिसमें टाइल भी लगाई गई है, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो है काफ़ी विकास हो रहा है, आज से जो 50 साल पहले के मकान थे वो सारे उखाड़ उखाड़ करके देखिए, एकदम बिल्कुल बढ़िया बढ़िया इससे बढ़कर एक मकान बन रहे हैं। तो ये था यहाँ की खूबसूरती, हमारे चुरा के बहुत बड़े ऐतिहासिक गांव तीसागढ़ की खूबसूरती मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखेगा सुनेगा, सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय चुरा।